चाहूंगा कि अभिनेता हैं आप, ये कह लो आप अपना जो कैरियर की शुरुआत कैसे की, क्या प्रेरणा थी, कहाँ के रहने वाले हैं, शिक्षा कहाँ से हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि कैप्चर करें। मैं रहने वाला तो अलीगढ़ का हूँ और फैमिली बिलोंग थोड़ा नॉर्मल ही था। काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ में और काफ़ी मेहनत की, तब जाकर एक ऊपर वाले की तरफ से एक इनाम समझ लो, जो आज मैं यहाँ पर मेहनत की, जो यहाँ पर आज मैं बैठा हूँ, तो ऊपर वाले के कर्म से और अपनी मेहनत से, अपने घर वालों की सपोर्ट से आज मैं इस मकाम पर हूँ। मेरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने जितना भी सीखा अपने घर वालों से सीखा और फैमिली बिलोंग खैर हल्का था मेरा, मेरे डैड तो है नहीं, मॉम है, मॉम ने फुल सपोर्ट की है इस मकाम को पाने के लिए। तो कहाँ शुरुआत हुई आपका, जो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रेरणा थी, आप शुरुआत कैसे की इस क्षेत्र से? शुरुआत इस क्षेत्र से, खैर मेरे पास तो कहीं से कहीं तक रास्ता नहीं था और मैं एक बार गूगल चला रहा था तो गूगल पर मुझे ऑप्शन आया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए आपका एक अच्छा मौका है, तो मैंने उसे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद और फिर मैं यहाँ तक, एक प्रिंसी मैम से मेरी मुलाकात हुई, प्रिंसी मैम ने मुझे काम दिलाया और एक एडवर्टाइजमेंट भी दिलाया, बहुत सारे काम हैं वो भी दिलाए प्रिंसी मैम के थ्रू, तो काफ़ी अनुभव मिला मुझे काम कर कर, और आगे भी काम मिलेगा तो पूरे अनुभव से करूँगा और दिल से करूँगा। तो जो काम मिला है, क्या आपका उसमें किरदार है, क्या प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट है एक बंगले का, वो मैंने किया था और आगे एक एडवर्टाइजमेंट और है जो अमेजोन में शूट है, प्रिंट शूट, वो जल्दी में ही है फिलहाल, और एडवर्टाइजमेंट एक एड शूट भी है इसी मंथ में हो जाएगा। इसके अलावा आपने थिएटर वगैरह किया है, और किस तरह प्रिपरेशन किया आपने आपको एक्टर बनने के लिए? बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को, तो कैसे प्रिपेयर किया उसके बारे में कुछ बताइए। प्रिपेयर काफ़ी स्ट्रगल लाइफ में, काफ़ी परेशानियाँ आई, लोगों ने कहा कि आपको तो वीडियो बनाना चाहिए, मजाक बनाया लोगों ने, तो काफ़ी मतलब अपसेट हुआ कि यार क्या कर रहे हैं अब लाइफ में, है ना, तो अपसेट होने के बाद तो मॉम ने सपोर्ट किया कि एक किसी ने कहा कि यूट्यूब पर बनाओ वीडियो, किसी ने कहा इंस्टा पर बनाओ, तो वहाँ से भी सफलता नहीं मिली, तो फिर अचानक से ही मतलब एकदम मेरे सामने ही ये रास्ता आया कि प्रिंसी मैम से मेरा रابطہ हुआ और मुझे प्रिंसी मैम के थ्रू ही काम मिला। बाकी मैंने स्टेबल लाइफ में बहुत किया है, लोगों के ताने से हैं कि यार तुम तो हीरो बनो और ये करो वो करो, तो कहने वाले तो कहते हैं बाकी ऊपर वाले की मर्जी होती है और बाकी अपनी मेहनत होती है। आखिर में ये बताइए, क्या सपना है आपका, कौन सा ऐसा कलाकार है जिसको आप मानते हैं कि हाँ मेरी प्रेरणा है ये, या किस तरह किरदार निभाना चाहते हैं, ऐसा कौन सा कलाकार आपको? मैं जो फैन हूँ वो शाहरुख खान सर का हूँ और काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे वो, एक दफ़ा मुझे मौका भी मिलेगा तो मैं उनसे मुलाकात ज़रूर करूँगा, शाहरुख खान सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और कुछ क्या अच्छा लगता है शाहरुख के बारे में आपको, उनकी क्या ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है? शाहरुख खान सर का बहुत अच्छा लगता है मुझे, और शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं होता, ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। तो और कोई प्रोजेक्ट करना है इसके अलावा या करना चाह रहे हैं? हाँ, और प्रोजेक्ट आगे मिलेगा, अभी मैम से बात हुई थी मेरी, आगे भी करेंगे प्रोजेक्ट। थैंक्स भैया, आप आ जाइए। अच्छा बोला आपने, कोई दिक्कत